वो एक ख्याली बादल नहीं है, ये एक हकीकत हो सकती है जो लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये जो वार क्लाउड्स है ये एक्चुअल में बदल जाए। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इन दोनों देशों के लोगों को होगा। जो सत्ता में होते हैं, जो पावर में होते हैं, उनको कहीं फर्क नहीं पड़ता है। आप सीरिया में देखिए, जो वार कर रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठे होते हैं, वो अपना हुकूमत चलाते रहते हैं। इट इज़ द पीपल हु डाई, कॉमन पीपल। सो द लॉस इज विच दिस पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज आर गोइंग टू सफर आर अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। सो हो सकता है यहाँ पर बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जो भी सोचने वाला आदमी है, जो थोड़ा सा हसास होगा, जो सेंसिटिव होगा, वो कभी भी वार की बात नहीं कर सकता। वार इज द मोस्ट अगलियस्ट वर्ड इन द एंटायर वोकैबुलरी ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। वार कैन एक्चुअली डिवास्टेट एवरीथिंग, और आई डोंट थिंक दैट द इकोनॉमी ऑफ बोथ द कंट्रीज इज सो स्ट्रांग टू सस्टेन ए वार इवन फॉर वन वीक। It is most unfortunate. I have come here in a performative mode. The performative mode is that I have a Kashmiri garment on me, and it is showing the perforation here, which people are suffering there on the streets through pellet guns and all that torture and all the disappearances, all those killings are going happening all the time there. Now they have multiplied. हम इस दुख को कैसे feel करेंगे जब तक हम इस वार क्लाउड को थोड़ा सर्जिकली नहीं समझेंगे। वी हैव टू एक्चुअली ओपन अप दिस क्लाउड एंड सी व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर इज हिडिंग देयर। उसके बीच में कौन सा भयंकर ये छुपा हुआ है जो हमें सबको खा सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस देश के सारे लोग चुप क्यों हैं। व्हाई आर पीपल सो साइलेंट अबाउट द पॉसिबल वॉर ओवर कश्मीर। कश्मीर के बारे में जिसने भी थोड़ा समझा होगा या लिटरेचर पढ़ा होगा, सदात हसन मंटो का बहुत सुंदर एक कहानी, छोटी सी कहानी है, टिटवा का कुत्ता। और 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जंग किया था, तो दोनों देश के जो फौजी थे वो एक दूसरे को लगभग जानते थे। और जो टिटवा एक पहाड़ी का इलाका है, और वहाँ पर उन दो के बीच में झड़प हो गई। उसके बाद वो अपना खाना वाना बना रहे थे, बीच में कुत्ता आ गया, और वो कुत्ता एक जासूस की शक्ल पैदा किया। एक हिंदुस्तानी आर्मी वाले ने उसको नाम लगा दिया झुनझुन, और जब वही कुत्ता बिस्कुट की तलाश में दूसरे कैंप में गया, उसको शुनशुन नाम रखा, और वो जासूस बनकर उसको दोनों ने गोलियाँ बरसाई ऊपर और बीच में मार दिया। तो मंटो साहब की ये जो बहुत सुंदर कहानी है, उसका परिणाम ये है कि सारे जंग में जो है ना, एक निर्दोष कुत्ता मर जाता है और कुछ हासिल नहीं होता है। ये बहुत ही उमदा स्टोरी, अगर आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें पूरी हर जगह यूट्यूब में हर जगह इस कहानी है। मुझे लगता है कि कश्मीर के संदर्भ में इतनी बढ़िया शॉर्ट स्टोरी किसी ने आज तक लिखी नहीं। और हम कौन सी कहानी लिखने जा रहे हैं, ये हमें तय करना पड़ेगा। दिल्ली में बैठ कर मुझे नहीं लगता है कि इसका अंदाज़ा हो जाएगा कश्मीर में लोगों को हो क्या रहा है। It is the most unfortunate territory in the entire world. मुझे नहीं लगता आज तक दुनिया में कहीं पर ऐसा हुआ हो कि दो महीने सारा खाना पीना टेलीफोन सब कर्फ्यू सब कुछ बंद कर देंगे और लोगों को वो जैसे लॉकर में बंद करके रखेंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये जो है सारा पीस आ गया है। देर इज़ नॉट, और वो हमारा मंत्री कह रहे हैं कि देर इज़ नॉट ए सिंगल बुलेट हैज़ बिन शॉट। दीज लाइज एक्चुअली टेल ऑन द फेस, they are exposed. मुझे नहीं लगता है कि आज तक इतने 30 सालों में इंडिया वॉज ऑन ए वीकर विकेट इन द इंटरनेशनल एरिना। दे हैव बीन एक्सपोज्ड इन एवरी स्फीयर, इन एवरी इवन हगिंग सो टाइटली विद द ट्रंप, ही फाइनली सेज दैट यू गो देयर एंड टॉक टू द पाकिस्तान सो दैट दिस इशू इज रिजॉल्व, बिकॉज दिस इशू हैज नाउ बिकम एन इंटरनेशनल इशू। इट वॉज ऑलवेज इंटरनेशनल, but this time it has crossed all the levels. Indian occupation in Kashmir has created such an atmosphere there that no saner person can shut their eyes and see that everything is okay.
So the war, say no to war, is a most appropriate slogan right now. I have come with a stamp and I have just stamped everybody's wrist here with this say no to war. So that people feel some sort of an intimacy on their own skin. What it means, what it can actually feel. Just close your eyes when you go back home. Just close your eyes and imagine that what war can do, what war does, when actually happen. You can see earlier footages in the YouTube, ki jang mein hota kya hai. You don't have to go to Hiroshima and Nagasaki. Even the conventional wars, they devastate the entire economy and psychology of the entire societies. So we have to come together to think about that how this war can be stopped. But I am, ho sakta hai, maybe there are not many people here, but I think the saner people in India will not endorse this war cry. I'm damn sure. It's not mere optimism. I think it is really right time to talk about it. I we all know that the media is media. Why the media is silent about it, and why newspaper or the print media or the electronic media is not talking about what is going on actually in Kashmir. But people know, people feel the pulse of it. That's why everybody, every Indian, they feel guilt in their hearts about what we have done to Kashmir. And if the war is going to happen, this will be the most tragic thing that can ever happen because of an issue which India has a very, 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 very thin claim over the territory of Kashmir. Because it was, we all know what under what circumstances India has been there and under what circumstances Pakistan has invaded in 1947. And the Kashmiris have actually been caught in between the two. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।